नमस्कार दोस्तों, नव प्रभात कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो स्थानीय मान के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। तो स्थानीय मान होता क्या है? परंतु उस स्थानीय मान को सीखने से पहले अपन को एक चीज़ जाननी जरूरी है, जो है इकाई दहाई। जो इधर से हमारा पहला अंक होगा वो होगा इकाई, दूसरा होगा वो होगा दहाई, तीसरा होगा वो होगा सैकड़ा, चौथा होगा वो होगा हजार, पांचवा होगा 10,000, फिर होगा हमारा लाख, फिर होगा हमारा 10 लाख, फिर होगा हमारा करोड़, और फिर होगा हमारा 10 करोड़। तो दोस्तों, ये अपन को आने चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब एक संख्या मैं लेता हूँ 57। अब आपको इसमें पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान बताइए। तो अपन को देखना है कि 5 जो है वो इकाई का अंक है या दहाई का अंक। तो अपन ने देखा है कि 5 जो है वो दहाई का अंक है। ये हमारी इकाई है और ये है हमारा दहाई। तो अपन ने देखा है कि 5 है जो दहाई का अंक है। तो अपन ने 5 और इकाई के अंक के रूप में अपने 0 लगा दिया। 7 का पूछे तो अपन ने 7 लगाया। इसके उत्तर की जांच करने के लिए कि ये सही नहीं है या सही है, तो उसको अपन जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर अपन को पता चलता है। एक संख्या और लेता हूं मैं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, ये हमारी संख्या है 67,966। तो अपन को इसमें पूछा गया 7 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1, 2 और 3 0। 6 का पूछ ले तो 1, 2, 3, 4। 9 का पूछ ले तो 2 0। 6 का पूछे जाओ 6, 60 और 1, 6 का 6। अब इसको जोड़ लेते अपन, तो इसका मतलब अपने ये आंसर सही है। अब अगली बात आती है अपने वास्तविक मान की। देखिए, वास्तविक मान होता क्या? वास्तविक मान होता कि वही संख्या, जैसे अगर अपन को पूछे कि 5 का वास्तविक मान क्या है तो 5 ही होगा, 7 का पूछे तो 7 ही होगा। जिस स्थान पर जो संख्या मौजूद है या जो संख्या है वही उसका वास्तविक मान है। 6 का 6, 7 का 7, 9 का 9, 6 का 6 और 6 का 6, ये सभी इसके वास्तविक मान है। कोई संख्या दे दे 9, 6, 8, 7, इसे पूछे आपको 8 का वास्तविक मान तो 8 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 7 का 7 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। अब एक प्रकार का सवाल और पूछा जाता है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो सवाल इस प्रकार का है कि अपन को पूछा जाता है कई बार, देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे जो सवाल हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, वो सवाल अक्सर आपकी परीक्षा में, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए ये सवाल अगर आपका तैयार हो गया तो समझ लो आप उसमें आगे बढ़ पाओगे गणित में। क्योंकि देखो, छोटे सवाल ज़रूर है, परंतु छोटे छोटे सवालों को हल करने से ही अपन की गणित अच्छी होती है। तो सबसे पहले एक सवाल लेते हैं अपन कि इस संख्या में 69,876 में जो 6 का वास्तविक मान है और जो 6 का स्थानीय मान है उसका अंतर बताइए या योग बताइए। दोनों में से अपन कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद वास्तविक मान लिख के अपन उसका अंतर और योग ज्ञात करेंगे। तो पहले 6 का स्थानीय मान देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने जीरो लगेंगे? 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें 6 का वास्तविक मान, इस 6 का पूछा, ध्यान रखना थोड़ा सा, तो ये 6 का है तो अपन ने 6 लिख दिया। अगर अपन को योग पूछा तो अपन पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने पर अपन का प्राप्त होता है, देख लीजिए, तो अपन को प्राप्त होता 60,006। क्या प्राप्त होता अपन को? 60,006 अपन को प्राप्त होते हैं योग करने पर। अब इसको अपन कई बार इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं, तो अंतर पूछते हैं तो अपन क्या करते हैं, वही चीज़ सेम ही करनी है। अब इसमें अपन क्या करना है, 6 को माइनस करना है, इसमें 6 को अपन को माइनस करना है। तो 10 में से 6 निकालो, 4, 9, 9, 9 और 5, तो अब अपन का उत्तर क्या होगा, 59,994। तो इस प्रकार कोई भी संख्या पे अपन स्थानीय मान और वास्तविक मान के बीच में अपन अंतर प्राप्त कर सकेंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवालों के साथ। तो अगर हमारी क्लास पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।